जय महाकाली, जय माँ विंध्यवासिनी। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड? ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में सही और स्वस्थ होंगे और माँ आप लोगों पे अपनी असीम कृपा बना के रखे और आपके बिगड़े हुए सारे काम बने, माँ आप लोगों के सारे काम बनाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास एक नया वशीकरण लेके आई हूँ और मंत्र भी नया लेके आई हूँ, जो कि यूट्यूब पे पहले कभी भी ये बताया नहीं गया है। जो हिमालय पे साधु महात्मा लोग, जैसे शिवजी जी समाधि लगा के मंत्र किया करते थे, बिल्कुल ही वैसे ही साधु महात्मा लोग जो हिमालय पे रहते हैं वो लोग करते हैं ये मंत्र। यूट्यूब पे ऐसा मंत्र कभी भी नहीं बताया गया और आज मैं बिल्कुल ही नया और बिल्कुल ही अच्छा और दुर्लभ बिल्कुल नया आपको मंत्र बताऊंगी और बिल्कुल परसेंट, जो कि 10 मिनट के अंदर से पहले पहले ही आपका वशीकरण बिल्कुल हो जाएगा, जो कि आपको किसी भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको किसी भी सियाने के पास जाने की ज़रूरत नहीं है या आपको अपने पैसे खराब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष के ऊपर और किसी भी अपने मन चाहे प्यार को, लव को पाने के लिए ये वशीकरण कर सकते हैं और कभी भी आप मन में गलत विचार और गलत संभावना रख के बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें जो कि आप प्रॉब्लम में हो जाएं और कोई भी दिक्कत हो। और गलत विचार बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। अगर आप सही ट्रिक और सही तरीके से सही विचार रख के अगर ये बिल्कुल करेंगे वशीकरण, एक सिर्फ एक आपको गुलाब का फूल लेना है। गुलाब का फूल वैसे ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, मेरे हिसाब से तो मतलब फूलों का मैं तो यही कहूँगी कि फूलों में बिल्कुल एक राजा के जैसा है गुलाब। सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसकी महक, इसकी खुशबू वैसी बहुत ही मनमोहक होती है। और वैसे ही हम अपने प्यार को पाने के लिए, अपने बिल्कुल मन चाहे प्यार को पाने के लिए, जो कि आपसे रुष्ट हो गया हो या आपसे दूर चला गया है या आपके पास नहीं आ रहा या आपके पास उसका मैसेज नहीं आ रहा या आप बिल्कुल उससे मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप इस चीज़ के लिए प्रयोग करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक गुलाब के फूल से हम कैसे वशीकरण कर सकते हैं, अपने प्यार को पा सकते हैं। और ये पहली बारी आया है यूट्यूब पे। गुलाब के फूलों के ऊपर वशीकरण तो बहुत बारी लोगों ने बताया होगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल एक नए तरीके से वशीकरण बता रही हूँ जो कि आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, बिल्कुल परसेंट है, जो कि 10 मिनट के अंदर लोग कहते हैं 1 मिनट, लेकिन ये बिल्कुल ही 1 सेकंड लेने वाला है और काम आपका शुरू हो जाएगा वशीकरण का। तो हमने क्या करना है, एक गुलाब का फूल लेना है लेके और हमने 7 बारी ये मंत्र बोलना है। मंत्र आपको कोई किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसे कोई भी आपको नहीं बताएगा। बहुत मुश्किलों से मुझे भी ये मंत्र मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ ये इस मंत्र को शेयर करूं और उन लोगों का मैं फ़ायदा करवाऊं जो कि वशीकरण करना चाहते हैं, अपने प्यार को पाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे अंदर भी मंत्र होता है, हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता। जो बहुत ही जो बहुत सियाने, बहुत जो ज्ञान वाले होते हैं, जो बिल्कुल ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही साधना तप जप करने वाले होते हैं, तो उन लोगों को ही पता चल पाता है कि हमारे अंदर मंत्र चलता है और हमारे अंदर कौन सा वर्ड आता है या कैसा मंत्र चलता है, वही आपको बता सकते हैं। जैसे कि जिसकी दिव्य शक्ति खुली होती है या चक्षु खुले होते हैं, उन लोगों को ही ये मंत्र पता देते हैं। तो हमारे अंदर जैसे हम सांस लेते हैं, ऊपर की तरफ सांस जाता है, फिर हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, तो क्या निकलता है? स्वाहंग स्वाहंग स्वाहंग, ऐसा मंत्र हमारे अंदर चलता ही रहता है 24 घंटे, उठते बैठते सोते, जैसे भी जैसे हम सांस लेते रहते हैं, तो बिल्कुल ये मंत्र हमारे अंदर चलता रहता है। ये हमारा मंत्र बहुत ही सिद्ध पुरुष ने दिया हुआ है,
और ये संपूर्ण बिल्कुल ही अच्छा, बहुत ही अच्छा ये मंत्र है और इसका प्रचंड बिल्कुल वशीकरण हो जाएगा। तो आपने स्वाहंग 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 ऐसे 7 बार हमें ये मंत्र बोलना है। और आपने कहाँ और कैसे बोलना है, आप किसी भी नदी या बहुत अच्छे स्वच्छ पानी को बहती हुई जगह पे आप चले जाएं, जैसे कि गंगा जी हो गया, जमुना जी हो गई, या बहुत बड़ी नदी हो या कोई नाला हो, लेकिन साफ होना चाहिए, लेकिन गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ साफ, जिसको कि हम टच भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप ऐसे बिल्कुल अच्छे पानी की जगह चले जाए, बहते हुए पानी में आपने ये गुलाब का फूल बिल्कुल वहीं लेके खड़े हो जाना है और 7 बारी इस हमें मंत्र का जप करना है। स्वाहंग 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 ऐसे करके हमें 7 बारी बोलना है। बोल के बहते हुए पानी में हमें अपने गुलाब के फूल को छोड़ देना है और आपका उसी टाइम से वशीकरण बिल्कुल चालू हो जाएगा। जो व्यक्ति आपसे मिल नहीं पा रहा, उसका फ़ोन आ जाएगा, वो आपसे मिलेगा, वो आपसे बात करेगा, आपका लव आपका वापस आ जाएगा। और आप ऐसा करें वशीकरण। और अगर आपसे कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। पहली बात तो कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से वशीकरण आज बताया और बहुत ही ऐसा एक नया मंत्र बताया जो कि यूट्यूब पे और या किसी ने भी नहीं बताया। ये मंत्र, ये पहली बारी मंत्र बताया गया और बिल्कुल ही 100% काम करता है। बहुत ही अच्छा मंत्र है और इसकी शक्ति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसकी आराधना साधना शिव जी भगवान ने करी है। वो ही ध्यान और साधना में ये मंत्र बोलते हैं और ये शिव का है। तो आपको पता है कि बहुत ही अच्छा, पार्वती जी ने भी अपने शिव को पाने के लिए ये आराधना और साधना करी थी। तो उन्होंने अपने प्यार को, अपने मतलब पाया जो उनका उनका मन चाहा, जीवन साथी या था। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये वाली अगर दाल ये तो मेरी एक वीडियो कटोरी अच्छी मस्त लगे मसाले तो डाल लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर दो। जरूर करें, और अपने दोस्तों में उनके प्यार को पाने के लिए भी इसे शेयर जरूर करा करें फ्रेंड्स। आगे फिर एक नया वशीकरण लेके आती हूँ मैं, और एक नए मंत्र के साथ में। तो जय महाकाली, जय माँ विंध्यवासिनी। Right.